मथुरा में लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों के लिए तहसील प्रशासन द्वारा सर्वोत्तम कार्य किया जा रहा है। तहसील कर्मचारियों द्वारा सुबह शाम अच्छे भोजन की व्यवस्था एवं लॉकडाउन के कारण फंसे परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं कुछ लोगों द्वारा प्रशासन के भोजन को बेकार बताए जाने की बात कही गई थी, मगर जब मीडिया की टीम एवं समाज सेवियों द्वारा इस भोजन को चेक किया गया तो उसकी क्वालिटी अच्छी पाई गई। वहीं साथ ही साधु संतों एवं अन्य लोगों से इसके बारे में जानकारी ली गई, तो उन्होंने भी खाने की क्वालिटी को अच्छा बताया। आज जो कोरोना महामारी जो हमारे देश में चल रहा है उसके देखते हुए यहाँ पर बहुत से लोग कुछ ना कुछ बांटने आ रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दाल चावल है, कहीं पूरी सब्जी है, तो पूरी सब्जी और ये सब कोई लोग पसंद नहीं करते। और यहाँ पर गोवर्धन में जो तहसील किचन चल रहा है, प्रशासन की तरफ से जो खाना हमारे यहाँ पर ये सब लोग हैं, इन सबको डेली दोनों टाइम प्रतिदिन मिल रहा है और बहुत ही अच्छा खाना है। सब्जी भी बेस्ट है, रोटी भी बेस्ट है, और जो ये सेवा प्रशासन की तरफ से तहसील किचन की तरफ से चल रहा है बहुत सराहनीय है। ऐसे समय में जो इन लोगों को खाना पर्याप्त और प्रतिदिन दोनों टाइम यहाँ पर मिल रहा है, इनके तहसील प्रशासन के, हमारे जिला प्रशासन के हम बहुत आभारी हैं। और हम इनके साथ जो ये प्रसाद के रूप में हम भी इस खाने को ले रहे हैं।